अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं LR न्यूज 24x7। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने आज चुनाव आयोग के मुख्य जो कि अधिकारी के पास आए, मुख्य अधिकारी के आने का पर्पस ये था कि जो कि भाजपा है, कल रामनवमी के दिन डाक बंगला चौराहे पर एक पूजा का आयोजन किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें बड़े बड़े जो कि भाजपा के नेता शामिल हो गए, मगर प्रेमचंद मिश्रा ने यह साफ कर दिया कि आचार संहिता जब जिस तरीके से लगा हुआ है तो एक समूह में पूजा आयोजन कैसे हो रहा है, इसकी जो शिकायत है चुनाव आयोग के अधिकारी के पास उन्होंने किया। क्या कुछ कहा प्रेमचंद मिश्रा ने, आप भी सुनिए। हम सभी भगवान राम को मानते हैं, उनको पूजते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करती ऐसे आयोजनों का। कल रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पटना सहित राज्य के विभिन्न भागों में लगभग सैकड़ों स्थानों पर धार्मिक आयोजन रखा है। पटना में तो भाजपा के विधायक हैं नितिन नवीन, उनके अध्यक्षता में ही संस्था है जो डकबंगला चौक पर ये करने जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जुड़े सभी नेता, स्थानीय उनके प्रत्याशी, सबको उन्होंने आमंत्रित किया है। तो कानून के हिसाब से चुनाव आयोग का जो आचार संहिता लागू हो गया है, तो आचार संहिता लागू होने के पश्चात किसी भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल किसी धार्मिक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अगर भाग लेता है तो एज पर लॉ अपराध है। तो मैंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी से मिलकर ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह किया है कि कल के रामनवमी के नाम पर जो एक राजनीतिक आयोजन हो रहा है धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर, उस पर रोक लगे। कोई भी राजनीतिक चल दल का नेता, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का हो, अगर उसमें भाग लेता है तो उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई हो, FIR हो, केस दर्ज हो। और पिछले साल रामनवमी के मौके पे बड़े पैमाने पर राज्य में हिंसा और तनाव की घटना को हम लोगों ने देखा है, उसमें हजारों की संख्या में नंगी तलवारों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल से जुलूस निकाला था, तनाव पैदा किया था और धर्म विशेष के इलाके में जाके जानबूझकर उत्तेजक नारेबाजी की थी। और औरंगाबाद, समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर सहित राज्य के एक दर्जन जिलों में, भागलपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा और तनाव की घटनाएं हमने देखी हैं। तो उन चीज़ों पर भी हमने चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया है कि जो परिस्थितियाँ हैं उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कल रामनवमी के नाम पर भी फिर से एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह के आयोजन में जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेता, MLA, MP या उनके कोई प्रत्याशी या उनके कोई पदाधिकारी भाग लेते हैं तो उन पर कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इसको एग्जामिन करता हूं और कानून हिसाब से ही कार्रवाई होगी, किसी भी दल को इस तरह के आयोजन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए, मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, हमारे पार्टी में किसी को निमंत्रण मिला है। पॉइंट यही है, अगर उन्होंने निमंत्रण दिया है इससे हमारे आरोप को प्रमाणिकता मिल गई कि BJP का विधायक ही इस तरह का आयोजन कर रहा है। तो ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन जब आचार संहिता लागू है, किसी भी पार्टी का विधायक या उसका प्रत्याशी या उसका नेता अगर धार्मिक आयोजन करता है, उसमें भाग लेता है, तो कानूनन अपराध है। तो नितिन नवीन ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि उसने इस तरह का आयोजन किया है, वो लोगों को इन्वाइट कर रहा है। तो अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो नितिन नवीन पर FIR होना चाहिए। आप नहीं कर सकते हैं कोई भी धार्मिक आयोजन, किसी को भी ये हक नहीं है। इसलिए हम सिर्फ ये BJP के लिए नहीं बोल रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, MLA को, जनप्रतिनिधि को, प्रत्याशी को इस बात का अधिकार नहीं है कि ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन, चुनाव के बीच में आचार संहिता लागू है, उस बीच में अगर कोई धार्मिक आयोजन होता है, किसी धर्म विशेष की बातें की जाती हैं, तो अपराध है। चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने लिखित रूप से उन्हें ज्ञापन देकर इस संबंध में मांग की है। सुना, साफ रूप से कहा प्रेमचंद मिश्रा ने कि कल रामनवमी के दिन जिस तरीके से
बीजेपी प्रचार प्रसार करना चाहती है पूजा के नाम पे, और साथ ही साथ कहा कि पिछले बार जिस तरीके से रामनवमी में बीजेपी आरएस और बजरंग दल के लोगों ने रामनवमी में जो कि माहौल ख़राब किया था और एक विशेष समूह के लोगों को परेशान किया था, कहीं ना कहीं रामनवमी के दिन यह ज़रूर संकेत दे दिया गया है कि बीजेपी हो सकती है तो माहौल ख़राब कर सकती है। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, एल आर न्यूज़ 24x7 पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।